हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री स्टडी फॉर यू। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर्वेचर टूल के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल शेप की। मैं कर्वेचर टूल यूज तो करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको सिमेट्रिकल शेप किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये भी बताऊंगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और आधा पार्ट हम लोग रिफ्लेक्ट कर देंगे। बेसिकली कोई भी शेप होती है जो अगर सेम होती है तो उसका हम लोग हाफ पार्ट बना लेते हैं, और हाफ पार्ट को हम लोग बनाते नहीं है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सेम बनाना मुश्किल है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो शेप बनी है ये भी रिफ्लेक्ट करके ही बनाई गई है। तो इसको किस तरह से बनाते हैं, तो फटाफट पहले हम लोग इसको बनाते हैं हाफ शेप को। अगर आप चाहें तो गाइड भी ऑन कर सकते हैं, गाइड यहाँ से लेकर के और यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये गाइड भी आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पर ये रूलर्स नहीं दिख रहे हैं तो विंडो में व्यू में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रूलर और शॉर्टकट है Ctrl+R, तो Ctrl+R से ये आ जाएंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर टूल लेकर के और ड्रॉ करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर ला करके और हम लोग हाफ शेप को ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स बिगिन फ्रॉम हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते जाएंगे, दैट्स इट। आप कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। मैं सिमेट्रिकल शेप को थोड़ा और ज़्यादा बताना चाहता था, तो इस वजह से मैं सिमेट्रिकल शेप को यूज कर रहा हूँ। क्लिक क्लिक, वैसे आप पेन टूल से बड़े इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, सिमेट्रिकल शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो बिगनर है उनके लिए ये तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। पहले मैं इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ, लाइक रेड कर देता हूँ, वन ऑफ द माई फेवरेट कलर। और इसको मैं अभी से फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग इसको कॉर्नर बना लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर ठीक हो चुका है और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर से हल्का सा अंदर ले आऊँगा, ठीक है। और फिर से हम लोग आते हैं इसी टूल पर अपने, और इसको मैं लाइक इधर, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम तो होती है वैसे अगर कहा जाए कर्वेचर टूल से, ये जो बिगनर है उसके लिए तो सही है, लेकिन जिसको पेन टूल चलाना ज़्यादा आता है तो उसके लिए तो ये काफ़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पेन टूल से तो ये हम में से बड़ी इजीली बना लेता। खैर बनाते हैं इसी से, और ठीक है इसी को हम लोग, यार बहुत ज़्यादा हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं, पॉइंट जितना कम हो सके उतना कम यूज करा करें। और एक काम करता हूँ, अब मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के और इसको एडजस्ट कर देता हूँ, Ctrl+Z और केवल एक बार क्लिक, एक बार एंड क्लिक हेयर मूव, ठीक है इसी से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके ठीक है, इतना हम लोगों ने बना लिया हाफ शेप। अब इसी को हम लोग करते हैं रिफ्लेक्ट। तो क्या करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी से भी टूल से, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आके आपको करना है यहाँ से रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, 90 एंगल पर ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। आप देख रहे होंगे कि इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये इसी शेप को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन हम लोगों को इसी शेप को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, इसकी कॉपी चाहिए। तो हम लोग कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये शेप एक और ड्रॉ हो जाएगी। और अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ, मैं एक्चुअली इसको बाहर रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो शेप्स ड्रॉ हो चुकी हैं। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ लाइक दिस। तो अभी आप देख रहे होंगे हम लोगों ने एक तरफ का शेप ड्रॉ किया और दूसरे साइड की शेप बड़ी इजीली ड्रॉ कर लिया है। और बस इसमें तो कुछ खास है नहीं। अच्छा चलो इसको पूरा बना देते हैं, ये भी हम लोग बना लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए या तो आप कर्वेचर टूल से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल ले करके और ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पर कर लेते हैं। ओके ठीक है, और इसमें हम लोग फिर से
रेड कलर फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि ये हो चुका है। अब इसको हल्का सा एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ज़्यादा है और यहाँ पर आते आते थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेंगे और इसको पकड़ करके, और मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से ड्रॉ हो जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं अंदर लाऊंगा, इसको भी अंदर लाएंगे, ओके। थोड़ा और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचूंगा मैं, या ओहो यहाँ पर मुझे लगता है 2 पॉइंट है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के, या 2 पॉइंट है, दोनों कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, और अभी हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लिए। अब हम लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं करूँगा आर्क टूल को यूज। आप वही टूल करें जिससे आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर पाएँ। वैसे तो आप किसी भी शेप से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सिमिलर लगता हो तो उसी को आप यूज करें। जैसे हम लोगों ने इसको बनाया है रेक्टेंगल से, और इसको हम लोग बनाएंगे आर्क से। वैसे आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, अगर आप पेन टूल पर ज़्यादा आपका प्रैक्टिस है और आप उसी को ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे के सारे टूल्स यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे टूल से भी ड्रॉ करने में मदद मिल जाती है। और अभी इस तरह से ये तो सही आ रहा है, लेकिन अगर सही नहीं आ रहा है आपका, तो आप एरो की से प्रेस कर सकते हैं। जैसे एरो की से करेंगे तो ये मूव होता जाएगा। वैसे मैं इस पर बता चुका हूँ आपको, पहले भी वीडियो बन चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। लाइक हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं बस, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ठीक है। और इसी की हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं, या फिर रिफ्लेक्ट ही कर लेते हैं। अरेंज में आएंगे ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट करने के बाद 90 डिग्री पर कॉपी बता रहा है इसका, ठीक है। और मैं कॉपी कर देता हूँ, तो अभी एक और आ चुकी है, और इसको हम लोग मूव कर लेते हैं, ओके। ये भी हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को देना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसी को बना लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और स्ट्रोक में आकर के, स्ट्रोक में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगर, सॉरी एरो हेड्स, तो एरो हेड्स में यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये अभी अंदर आ रहा है, तो इसमें हम लोग इसको नहीं करेंगे यूज, इस वाले को करेंगे। तो यहाँ से आ करके, और मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और ये आ चुका है साइज का, ठीक है। साइज ठीक है, साइज कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं और साइज सही नहीं आ रही है, तो साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं करूँ तो देखो ये बड़ा होता जा रहा है, और अगर कम करना चाहें तो कम भी होता जाएगा। मैं 100% पर कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शेप ड्रॉ हो चुकी है। इसको एक्चुअली आगे लाना है, अरेंज करेंगे, अरेंज और सेंड टू फ्रंट, ओके। तो ये शेप ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने रिफ्लेक्ट करके, और इस तरह से सिमेट्रिकल शेप आप बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर मैं दिखा दूं आपको, तो ये जिस तरह से ड्रॉ हुई है, सेम इसी तरह से ये भी ड्रॉ हुई है। और अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके बनाते, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये इसके सिमिलर शेप नहीं बनती, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो ही जाता। तो आप हमेशा इसी तरह से यूज करें, कोई भी आप बना रहे हो। बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, लाइक जैसे हार्ट, हार्ट भी बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, और मतलब बहुत सारी शेप्स हैं जो सिमेट्रिकल शेप हैं। आप सिमेट्रिकल शेप सर्च करिए, जैसे वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिमेट्रिकल शेप। SYMM, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सारी सिमेट्रिकल शेप हैं। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, एक्चुअली कहाँ पर आ गए, बैक करने दो। सिमेट्रिकल शेप, ओपन न्यू टैब, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये बनाया है, और इसको भी आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर आधा, देखो इसको आर्क आधा बना लिया है, और इसको आधा करके रिफ्लेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हार्ट को भी सेम उसी तरह से किया है। अच्छा, हम लोग हार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं सेवेज,
और मैं सेव कर देता हूँ और इसको ओपन भी कर लेते हैं, हेड भी ड्रॉ करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ और अभी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको पहले एम्बेड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। और अभी देखो, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ला करके और इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम पेन टूल ही ले लेता हूँ इस बार मैं, और क्लिक एंड यहाँ पर करके, ठीक है, कर सकते हैं बड़े, चलिए ओके एंड क्लिक हेयर। या एक्चुअली ये हम लोग इधर कंट्रोल के साथ मैं कंट्रोल करूँगा ताकि इसको मैं मूव कर पाऊँ। मुझे इसको इधर चाहिए, बिल्कुल अंदर, ठीक है। और अभी हम लोग कर देते हैं इसको बंद, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो चुकी है और इसमें मैंने कलर कोई फिल नहीं रखा है, डी कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज करना है। ओह नो, और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसको मैं अलग रख देता हूँ और ये है हमारी शेप और इसी को हम लोग कर लेते हैं रिफ्लेक्ट। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और ये 90 डिग्री पर हो चुका है। तो कॉपी कर देता हूँ मैं इसकी, और कॉपी करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि ये शेप भी हमारी आ चुकी है और इसको अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये शेप अलग है, अब इसको एक करना है। सेम शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा, ये एक शेप बन जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप भी एक बन चुकी है। इसमें अगर आप कोई कलर फिल करना चाहें तो कलर भी फिल कर सकते हैं। ओहो, आउटलाइन नहीं चाहिए थे ना, तो ये बन चुका है। तो इस तरह से आप बहुत सारी सिमेट्रिकल शेप बना सकते हैं। आप सर्च करिए सिमेट्रिकल शेप और बनाइए बहुत सारी, प्रोजेक्ट में तो वैसे मिल ही जाएंगी, लेकिन आप करिए और बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही है, कीप प्रैक्टिस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।